आज तक आप लोगों ने फ्री फायर के अंदर बहुत सारी आईडीज देखी होंगी और मैंने भी गोस्ट आईडीज के ऊपर काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज के वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको जो गोस्ट आईडीज दिखाने वाला हूँ वो सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज्यादा हॉरर है। और उन आईडीज को देखने बाद आपका रिएक्शन बस ऐसा ही होगा कि भला फ्री फायर के अंदर ये आईडी कैसे एग्जिस्ट करती है। तो गाइस आज मैं आपको टोटल 6 गोस्ट आईडीज दिखाने वाला हूं, जिसमें से एक आईडी तो हमारे एक यूट्यूबर की है जो कि हमारे इंडियन सर्वर से है और उसके चैनल में मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं। तो गाइस आज मैं आपको कुछ ऐसी गोस्ट आईडीज दिखाने वाला हूं जिसमें ज्यादातर आईडीज तो हमारे इंडियन सर्वर से हैं। तो अगर आप लोग भी गेम खेलते खेलते बोर हो जाते हो तो आप लोग वो आईडी अपने दोस्तों को दिखा सकते हो और अपने दोस्तों को भी शॉक कर सकते हो। तो चलो फिर हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यार उससे पहले गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। और गाइस अगर आप लोग भी रेड क्रिमिनल बंडल जीतना चाहते हो तो आप लोग भी हमारे गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि मैं किसी 5 बंदों की आईडी के अंदर रेड क्रिमिनल बंडल निकालने वाला हूं। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो गाइस इसके लिए आपको छोटे से स्टेप बता रहा हूं, बस इसको आप लोग फॉलो कर लेना फिर आप लोग भी पार्टिसिपेट हो जाओगे। सबसे पहला स्टेप आता है कि आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, मतलब कि आपको वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। फिर सेकंड स्टेप, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है। और फिर आता थर्ड स्टेप, आपको इस वीडियो को अपने फ्री फायर खेलने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना है और आप लोग वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे आपके जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और फिर आता है फोर्थ और सबसे मेन स्टेप, आपको वीडियो के नीचे कुछ भी अच्छा सा कमेंट कर देना होगा, लाइक आपको वीडियो कैसी लगी, फिर वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और उसके साथ में दे देना अपनी यूआईडी, ताकि अगर आप लोग विनर निकलते हो तो मैं आपको डायमंड दे सकूं। तो बस यही सिंपल से काम करके आप लोग भी जीत सकते हो रेड क्रिमिनल बंडल, तो पार्टिसिपेट जरूर करना। गोस्ट आईडी नंबर 6, तो गाइस हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 6 पर जो हमारी गोस्ट आईडी आती है इसको आप लोग देख सकते हो। अब जैसे मैं आईडी को सर्च करता हूं तो गाइस यहां पर आपको देखने मिलेगा ये आईडी कोई 7 लेवल की नूब से आईडी लग रही है। और जैसे आप लोग इस आईडी को ओपन करते हो तो यहां पर आपको देखने मिलेगा इस आईडी के अंदर लेवल सिर्फ 7 है, इसके अलावा इस आईडी के अंदर सीजन 2 का गोल्ड का शर्ट है। अब इसको देखकर शायद आपको लग सकता है कि आखिरकार इस आईडी के अंदर खास क्या है, क्योंकि सामने से देखने में तो ये आईडी एकदम नॉर्मल आईडी लगती है। लेकिन आप लोग खुद सोचो, अगर ये आईडी कोई गोस्ट आईडी नहीं होती तो ये आईडी मैं आपको क्यों दिखाता। अब यहां पर देखो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना, लेकिन गाइस जैसे हम लोग इस बंदे के स्टैट्स में चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत अजीब चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे ने अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर कोई भी गेम नहीं खेला, आप चाहे वो क्लैश स्क्वाड हो, रैंक गेम हो या फिर क्लासिक गेम हो, इस बंदे ने कोई सा भी गेम नहीं खेला। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर इस बंदे ने कोई गेम नहीं खेला तो आखिरकार इस बंदे का लेवल 7 कैसे हो गया, और इस बंदे पास ये जो गोल्ड वाला शर्ट है इसको पाने के लिए इस बंदे को गोल्ड पर जाना पड़ता। और जाहिर सी बात है अगर इस बंदे ने रैंक पुश करी थी तो उसके लिए इस बंदे ने गेम तो खेले होंगे, लेकिन इस बंदे के स्टैट में तो 0 गेम प्लेड है, तो आखिरकार इस बंदे का लेवल 7 कैसे हो गया और इस बंदे पास ये जो सीजन 2 के गोल्ड का शर्ट है वो इस बंदे के पास कहां से आ गया। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आप लोगों ने आज से पहले कभी कोई ऐसी आईडी देखी थी जिसके अंदर 0 गेम्स पे 7 लेवल हो और उसके साथ में सीजन 2 का शर्ट हो। गोस्ट आईडी नंबर 5, तो गाइस हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 5 पर जो हमारी गोस्ट आईडी आती है इसको आप लोग देख सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी यूआईडी सर्च नहीं करनी है, बस जहां पर आप लोग यूआईडी सर्च करते हो वहां पर आपको जॉय रॉय लिखना है और ये लिखते ही आपके सामने यहां पर बहुत सारी आईडीज आ जाएंगी। अब ऊपर की जो आईडीज है वो तो सारी नॉर्मल आईडीज है और इसके अंदर ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन गाइस जैसे हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं सो यहां पर आपको बहुत यूनिक आईडी देखने को मिलेगी। एंड देख सकते हो ये आईडी बाकी सारी आईडी से एकदम अलग लग रही है, और जैसे इस आईडी को मैं ओपन करूंगा तो गाइस आप लोग भी एकदम शॉक रहने वाले, क्योंकि आईडी ओपन करते ही यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस आईडी के अंदर लेवल 53 था, जो कि नॉर्मल सा लेवल है, लेकिन इतने कम लेवल पे जो चीजें इस बंदे पास हैं वो एकदम अनबिलीवेबल है। सबसे पहले तो आप लोग इस बंदे की ड्रेस देख सकते हो, यहाँ पर स्कल मास बंडल है, उसके बाद में हमारा सीजन 1 का सकूरा बंडल है जो कि आपको पता होगा कितना ज्यादा रेयर है। और बस इतना ही नहीं, आप लोग इस बंदे के बैजेस भी देख सकते हो, यहाँ पर सीजन 1 के बैजेस है, सीजन 2 के बैजेस भी है। वैसे आप लोगों ने नोटिस करा होगा मैंने आपको बहुत सारी ऐसी आईडीज दिखाई है जिसके अंदर उस आईडी के मालिक ने सीजन 1 और सीजन 2 के लाइट पास लिए हैं और उसके बाद में उन बंदों ने फ्री फायर कोई खेलना छोड़ दिया। उन सभी आईडीज के अंदर एक चीज मैंने नोटिस करी, उन सभी के जो सीजन 1 के बैजेस होते हैं वो ज्यादातर 272 बैजेस होते हैं। अब ये 272 बैजेस का क्या राज है ये चीज मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। एंड लिटरली बता रहा हूं भाई, इतनी ढेर सारी ऐसी आईडीज में देख चुका हूं ना जिसके अंदर सीजन 1 में 272 बैजेस होते हैं, फिर उसके बाद में वो बंदे फ्री फायर कोई खेलना छोड़ देते हैं। अब ऐसी आईडी होने के बाद मुझे तो लगता नहीं है नॉर्मली कोई बंदा फ्री फायर को लीव करता, क्योंकि आप लोग खुद सोचो अगर आप लोग अपने पैसे खर्च करके 2 सीजन के लाइट पास ले रहे हो तो उसके एकदम बाद आप लोग फ्री फायर को कोई थोड़ी करोगे। गोस्ट आईडी नंबर 4, सो नंबर 4 पे जो हमारी गोस्ट आईडी आती है ये काफी यूनिक आईडी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर जितनी भी गोस्ट आईडीज होती हैं वो सारी ऑफलाइन आईडी होती हैं और उन आईडीज को बहुत टाइम से किसी ने ओपन नहीं करा होता है, लेकिन गाइस ये आईडी 9 घंटे पहले ऑनलाइन थी। अब अगर आप लोग इस आईडी को ऐसे देखते हो तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा आईडी के अंदर 73 लेवल है, जो कि यार काफी अच्छा लेवल है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको व्हाइट वाले हेयर्स देखने मिलेंगे, उसके अलावा सीजन 4 के एलिट पास का ये मास्क है एंड और भी यहाँ पर काफी अच्छे ड्रेसेस है, लेकिन इस बंदे की जो मिस्ट्री है ना वो इस बंदे के बैजेस में। अब इस बंदे पास सीजन 4 के एलिट पास का मास्क है, उसके अलावा सीजन 3 का बैनर भी है, तो इन चीजों को लेने के लिए इस बंदे ने उस टाइम पे एलिट पास परचेस तो करा होगा ना, क्योंकि ये चीजें आज तक फ्री फायर में कभी भी रिटर्न नहीं आई है। हालांकि इलाइट पास का जो ड्रेस था वो तो रिटर्न आ चुका है, लेकिन इलाइट पास के जो एफ्टर बैनर होते हैं वो आज तक कभी भी रिटर्न नहीं आए। लेकिन अगर आप लोग इस बंदे के बैजेस देखते हो तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे के अकाउंट में सिर्फ 1 सीजन के बैजेस हैं, जिसके अंदर इस बंदे ने सिर्फ 7 बैजेस क्लेम करें, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुराना इलाइट पास या फिर उसके बैजेस नहीं है। अब ये चीज देखकर मैं सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि अगर इस बंदे ने उस टाइम पे इलाइट पास नहीं लिया तो आखिरकार इस बंदे पास के वाले ड्रेसेस और के वाले एफ्टर बैनर कहां से आ गए। गोस्ट आईडी नंबर 3, तो गाइस नंबर 3 पे हमारी जो गोस्ट आईडी आती है ये फ्री फायर
शेयर की अब तक ये वन ऑफ द मोस्ट हॉरर गोस्ट आईडी है, क्योंकि इस आईडी के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो किसी नॉर्मल आईडी के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस आईडी को देखो, ये आईडी काफी टाइम से ऑफलाइन है और इस आईडी को ऑफलाइन हुए लगभग 1-1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है। और ये चीज तो आपको भी पता होगी कि अगर कोई आईडी ऑफलाइन होती है तो उसके अंदर हम लोग ड्रेसेस वगैरह चेंज नहीं कर सकते। ड्रेसेस को चेंज करने के लिए हमें आईडी को ओपन करना पड़ता है, लेकिन इस आईडी के साथ ऐसा नहीं है। अगर इस आईडी के बारे में मैं आपको हर एक मिस्ट्री बताऊं तो गाइस उसके बारे में कम से कम 1 घंटे की वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि इस आईडी के अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज छुपी हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखो, इस आईडी के अंदर सीजन 1 का ये बैनर है, उसके अलावा सीजन 3 की शर्ट है और फिर ये सीजन 7 का एलिट पास है जो कि आज तक कभी भी फ्री फायर के अंदर रिटर्न नहीं आया। लेकिन पिछले आईडी की तरह इस आईडी के अंदर भी सेम है, यहाँ पर भी सिर्फ 2 सीजन के एलिट पास है जो कि लगभग अभी 1 साल पुराने हैं, लेकिन वो इतने पुराने नहीं है जितने पुराने इस बंदे के ड्रेसेस हैं। और इस आईडी को ऑफलाइन हुए 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन तब भी इस आईडी के जो ड्रेसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको याद होगा, ये आईडी मैंने आपको लगभग 3-4 महीने पहले दिखाई थी, लेकिन उस टाइम पे इस बंदे की जो ड्रेस थी वो काफी अलग थी। और अभी जब मैंने इस बंदे की आईडी सर्च करी तो आप लोग इस बंदे की ड्रेस देख ही सकते हो। अब ये चीज आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, इस आईडी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर 1-2 महीने बाद आईडी को सर्च करना, तो वहां पर आपको देखने मिलेगा कि इस आईडी का जो ड्रेस है वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। गोस्ट आईडी नंबर 2, तो गाइस नंबर 2 पर हमारी जो गोस्ट आईडी आती है इसको आप लोग एक रियल गोस्ट आईडी बोल सकते हो, और ये आईडी इस वीडियो की सबसे खतरनाक गोस्ट आईडी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो तो आपको आगे वीडियो में खुद पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग इस बंदे की यूआईडी देख सकते हो, ये आईडी फ्री फायर में बनने वाली 18 आईडी है, मतलब ये आईडी सच में बहुत ज्यादा पुरानी है। एंड एक तरीके से आप लोग इस आईडी को फ्री फायर की फर्स्ट गोस्ट आईडी भी बोल सकते हो। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले आईडी की, तो गाइस यहां पर आपको देखने मिलेगा इस आईडी के अंदर लेवल सिर्फ 3 है और इसके अलावा इस आईडी के अंदर सीजन 8 का एलाइट पास है। अब शायद आप लोग सोचोगे भाई ये तो नॉर्मल सा है, कोई बंदा ऐसा कर सकता है, वो एलाइट पास लेके उसके बैजेस को बाय कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस आईडी की जो मिस्टीरियस चीज है ना, उसके बैजेस या फिर उसके लेवल में नहीं है, वो चीज है इस बंदे के स्टैट्स में। और मैं लिटरली बता रहा हूं, जो पहली बार इस बंदे के स्टैट मैंने देखे थे, सो मैं भी डर गया था कि भाई ये हो क्या रहा है। सो यहां पर आप लोग देख सकते हो, जैसे इस बंदे के स्टैट्स में ओपन करता हूं, यहां पर जो स्टैट्स है वो एकदम अजीब से लिखे आ रहे थे और इसको मैं चाहे जितना भी रिफ्रेश कर लूं ये चीज सही हो ही नहीं रही थी। और यहां पर आप लोग एक चीज नोटिस करना, इस बंदे के स्टैट्स के अंदर स्क्वाड या फिर डुओ के स्टैट्स है ही नहीं, यहां पर तीनों स्टैट्स के ऊपर सोलो लिखा हुआ है। और फिर चाहे मैं कितना भी इसके ऊपर क्लिक करने की कोशिश करूं, इस बंदे का केडी रेट या फिर हेडशॉट रेट दिख ही नहीं रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये आईडी हमारे इंडियन सर्वर की नहीं है, ये आईडी इंडोनेशियन सर्वर की है। तो अगर आपके पास भी कोई इंडोनेशिया की आईडी है, अब आप लोग खुद इस आईडी को सर्च करके देख सकते हो। वैसे अब तक मैंने जितनी भी गोस्ट आईडीज देखी है, ये आईडी उनमें से सबसे खतरनाक है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आप लोगों ने आज से पहले कभी कोई ऐसी आईडी देखी है जिसके अंदर इतनी खतरनाक और इतनी मिस्टीरियस चीजें होती हूँ। सो ऑलराइट, यहां तक गाइस हम लोगों ने देख ली हमारी पूरी 5 गोस्ट आईडीज। अभी हम लोग देख लेते हैं हमारी गोस्ट आईडी नंबर 1। सो नंबर 1 पर हमारी जो गोस्ट आईडी आती है इसको आप लोग देख सकते हो। तो गाइस ये आईडी है बिनजेड गेमिंग की, जिनके अभी यूट्यूब पे 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। अब शायद ही आप में से कोई बंदा ऐसा होगा जिसको इस आईडी के बारे में पता हो, तो आप लोग देख सकते हो इस आईडी के अंदर 43 लेवल है। और जैसे मैं आईडी को ओपन करता हूं तो यहां पर आपको देखने मिलेगा इस आईडी के अंदर सीजन 1 का एलिट पास भी था और इसके अंदर इन्होंने 166 बैजेस भी क्लेम करे थे, मतलब इस आईडी के अंदर सकुरा बंडल भी होगा, क्योंकि उस टाइम पे इतने बैजेस में पूरा बंडल मिल जाया करता था। और आप लोग देख सकते हो इस आईडी के अंदर इन्होंने सीजन 3 में हीरोइक भी कर रखा है। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद भी उन्होंने इस आईडी से खेलना क्यों छोड़ दिया, तो ये चीज आप लोग भी सोचा गया और ये चीज मैंने भी सोची थी। तो मैंने सोचा डायरेक्टली मैं उनसे ही पूछ लेता हूं। सो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि इनका कहना है इस आईडी का जो फेसबुक अकाउंट था वो डिसेबल हो गया था, जिसकी वजह से इनकी आईडी ऑफलाइन हो। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।